गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। ये पांचवी क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक से दूसरा चैप्टर को आज पढ़ाया जा रहा है, तो हमें कहना है कि सभी बच्चे अपने बुक जो पांचवी क्लास का टेक्स्ट बुक है वे निकाल लेंगे और किताब में देखेंगे कि चैप्टर है पांचवा क्लास के लिए इंग्लिश का, जिसमें दूसरा चैप्टर है चैप्टर टू, ये क्लास फाइव इंग्लिश चैप्टर टू, जिसमें चैप्टर का नाम है द वुडन बाउल। मतलब होता है वुड मतलब लकड़ी होता है, रूडेन मतलब लकड़ी का बना हुआ कह सकते हैं, लकड़ी का कटोरा, यह है बाउल कटोरा। तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या है, इस कहानी में एक जो है एक फैमिली है जिसमें दादाजी हैं, उसके बेटा है, उसके पतोहू है, उसका एक पोता है, इस तरह का उसमें उन लोग के बीच क्या कहानी है इसको हम लोग अच्छा से सीखेंगे। लेकिन पहले है डो यू नाउ, क्या आप जानते हैं। डो यू कहता है कि डो यू लव एंड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये कहता है कि क्या आप एल्डर मतलब क्या है बड़ों, क्या आप बड़ों का अपने से बड़ों का आदर करते हैं, उसे प्रेम करते हैं, बड़ों से आप कैसा व्यवहार रखते हैं, ये तो कैसा आप रखते हैं इसके बारे में है, ये सवाल है, ये आप जानते हैं, पूछा जा रहा है कि डो यू एंजॉय योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आप एंजॉय करते हैं किसके साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट मतलब अपने दादा दादी के साथ, प्रेजेंस एट होम मतलब घर पर जो है अपने दादा दादी के साथ जो है दादा दादी की उपस्थिति में यानी घर पर रह करके दादा दादी के साथ आप एंजॉय करते हैं। तो रीड द स्टोरी टू नो अबाउट फैमिली वैल्यूज, तो हम पढ़ेंगे इस कहानी में हम जानेंगे अबाउट फैमिली वैल्यू, यानी परिवार का क्या महत्व है, परिवार का से कैसा परिवार होता है, परिवार से हमें कैसा परिवार रहना चाहिए, परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। रीड एंड एंजॉय हम लोग पढ़ेंगे और आनंद लेंगे। कहानी नीचे आगे, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज, एक बूढ़ा आदमी था, लिव्ड इन अ विलेज एक गांव में रहता था, मतलब गांव में जो है बूढ़ा आदमी रहता था। व्हेन ही बिकेम वीक, जब वह कमजोर हो गया, उम्र दराज हो गया, ज्यादा उम्र हो जाने के बाद कमजोर हो जाता है, ही वेंट टू लिव विथ हिज सन, जब वह क्या हो गया, बिकेम हो गया वीक अपने कमजोर हो गया, ही वेंट वह चला गया, कहाँ चला गया, टू लिव रहने के लिए विथ हिज सन अपने बेटे के साथ। तो अपना बेटा जा रहता था वहां, और बेटा के साथ साथ डॉटर इन लॉ भी है, इसका पता हो डॉटर इन लॉ, एंड ए फोर इयर्स ओल्ड ग्रैंड सन, और एक चार वर्षीय उसका पोता, नाती जिसको बोलते हैं, ग्रैंड सन, चार वर्ष का था उसका नाती पोता। तो उसके पास जो है वह बूढ़ा आदमी जब कमजोर हो गया तो वहां रहने के लिए चला गया। क्या होता है, द ओल्ड मैन हैंड सुक, तो ओल्ड मैन का क्या था, बूढ़ा आदमी का हाथ जो है बहुत कमजोर था, कांपता था, हिज आई साइट वाज ब्लड, उसका दृष्टि जो है आंख जो है दिखता नहीं था, धुंधला दिखता था उसको, मतलब उसकी आंखों से धुंधली दिखाई देती थी, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती थी,
हिज स्टेप्स ऑल्सो फाल्टर, उसके कदम भी जो पैरों के चाल था वो भी लड़खड़ाता था, फाल्टर मतलब लड़खड़ाना, लड़खड़ा जाता था। उसके बाद ये द फैमिली एट देयर डिनर, तो परिवार जो है अपने डिनर में टुगेदर एक साथ रात में जो है खाने लगे, एक साथ सभी मिलकर खाने लगे। वेन द ओल्ड मैन, जब वो बूढ़ा आदमी सेट एट द डाइनिंग टेबल, कि जब वो बूढ़ा आदमी बैठा था डाइनिंग टेबल पर, हिज हैंड शुक, तो उसके हाथ कांपने लगे, कांपने लगे। ही कुड नॉट सी द फूड प्रॉपरली, वह जो है भोजन को साफ साफ नहीं देख पाता था। द पीज रोल्ड ऑफ, जो मटर के दाने थे मटर, वे गड़क जाते थे हिज स्पून, उसके स्पून से चम्मच से, ऑन टू द फ्लोर, फर्श पर, जमीन पर। वेन ही हेल्ड द ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का गिलास जब वह लेता था, तो इट ऑफ हैंड फेल ऑन द टेबल, तो वो दूध भी जो है टेबल क्लॉथ पर गिर जाता था। द सन एंड द डॉटर इन लॉ, तो बेटा और उसका पतोहू, यानी दोनों पति पत्नी उसके बेटे, बिकेम इरिटेट हो गए, मतलब गुस्सा गए, क्रोधित हो गए विद द मेस, उसके खाने से जहाँ पर भोजन करता था वहां। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट फादर, तो उन लोग जो है सोचे कि हम लोग को कुछ करना चाहिए अबाउट फादर, पिताजी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। सेड द डॉटर इन लॉ, ये हमें कुछ करना चाहिए डॉटर इन लॉ ने कही थी। आई हैव हैड एनफ टू हिच स्पाइल्ड मिल्क, तो जो है उसमें स्पाइल्ड मिल्क, जो गिरा हुआ था दूध, गिरा हुआ था, नॉइसी ईटिंग एंड फूड ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर जो है जमीन में जो गिरा था वो भोजन और खाना जो बेकार पदार्थ है, वो दूध जो है वहाँ गिरा था काफी मात्रा में, वहाँ पाया गया, गिरा हुआ था। सो दी हस्बैंड एंड वाइफ सेट ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर, तो उन लोगों ने क्या किया कि एक छोटा सा टेबल कॉर्नर में सेट कर दिया, रख दिया कि वहां पर कॉर्नर में बैठ के वो बूढ़ा आदमी खाएगा ताकि झंझट नहीं होगा। द ओल्ड मैन एट एलोन देयर, बूढ़ा आदमी जो है वहां अकेला खाने लगा, खाने का जो है वो एक अलग जगह पर उसे कर दिया गया और वह बराबर का हिसाब से वो वहां जाके बैठ के खाएगा, इसके लिए वो सेट किया कि अलग जगह होगा तो वो अच्छा से खा और झंझट नहीं होगा, गिरेगा नहीं, क्लॉथ पर नहीं गिरेगा। एज द ओल्ड मैन हैड ब्रोकन ए डिश, तो जो बूढ़ा आदमी था वो डिश यानी जो प्याला था वो तोड़ चुका था बूढ़ा आदमी ने टेबल पर खाते हुए, और एक दो बार जो है वो गिरा चुका था, टूट भी गया था डिश। हिज फूड वाज सर्व इन ए वुडन बोल, और ये लकड़ी का बोल जो है कटोरा जब दिया गया था उसको, तो यदि वह भोजन गिरेगा भी टूटेगा गिरेगा भी तो जमीन पर गिरेगा, और वो बोल लकड़ी का जो बोल है वो नहीं टूटेगा, लकड़ी का बोल जो है उसे दिया गया। द ओल्ड मैन ऑलवेज हैड टीयर इन हिज आईज एज ही एट अलोन, तो वो जो है बूढ़ा आदमी को आंख में आंसू आने लगा था, आंख में आंसू आने लगा था। यहां एलोन आंख में आंसू आने लगा और वह जो है बहुत ही अपने आप को उदास समझने लगा। ऑलवेज हैड टीयर्स इन हर आईज एज ही हैड एलोन, एलोन तो एलोन मतलब अकेला,
ये अकेला जो है वह वहीं पर खाता था, उसकी आंखों में आंखवा बराबर आने लगा वहां अकेले बैठ बैठ के। द कपल हेड ओनली हाफ वर्ड, तो कपल यानी दोनों जो पति पत्नी थे केवल उन लोग को कठोर शब्द, कठोर शब्द का प्रयोग उस बूढ़े पर अपने पिता पर करते थे, फॉर हिम उसके लिए आदमी के लिए। वेन ही ड्रॉप्ड ए फोर और स्पाइल फूड, वो जो भोजन गिर जाता था उसके लिए वह कठोर शब्दों का प्रयोग करता था। तो ये सोच करके जो है वो बुरा आदमी बहुत दुखी होता था और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगता था। द ग्रैंड सन वॉच्ड इट ऑल इन साइलेंस, अब उसका एक पोता जो था बुरा आदमी का, वह वॉच्ड इट इसको जो है देखता था, पूरा देखा इन साइलेंस, चुपके से शांतिपूर्वक वो देखा। उसके बाद क्या हुआ, वन इवनिंग बिफोर डिनर, एक शाम की बात है, एक दिन की बात है, डिनर से पहले द पेरेंट्स माता पिता नोटिस देयर सन, अपने बेटे के पास गया, प्लेइंग विथ वुड स्क्रैप्स मैंने कुछ रद्दी चीजों से वह खेल रहा था, ऑन द फ्लोर फर्श पर। द फादर अस्क्ड द चाइल्ड, तो पिताजी ने बच्चे को पूछा, स्वीटली मतलब आसान मैंने बहुत आराम से मधुरता से प्रेम से को पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो। द चाइल्ड बच्चा जवाब दिया, रिप्लाइड स्वीटली बच्चे ने सरलता से जवाब दिया, ओह आई एम मेकिंग ए लिटिल बाउल फॉर यू, वो एक छोटा सा कटोरा बना रहा था किसके लिए, अपने पिताजी के लिए, यू बोलता है या दंपति के लिए यानी पति पत्नी के लिए जो उन लोग के उसके माता पिता थे। एन मम्मा, यू एन मम्मा मतलब अपने पिताजी और मम्मी के लिए, टू ईट योर फूड कि उन लोग के भोजन खाने के लिए, फ्रॉम वेन आई ग्रो अप जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने माता पिता को यही लकड़ी के कटोरा से खाना दूंगा और तब वो खाना वो भी नहीं गिराएंगे, ठीक जैसे वो अपने पिताजी के साथ करते थे वैसे ही वो बच्चा आगे बड़ा होकर के पिताजी के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। द चाइल्ड स्माइल एंड वेंट बैक टू वर्क, बच्चा मनी मन खुश हुआ और फिर काम पीछे जो है काम करने चला गया। द पेरेंट्स वेर स्पीचलेस, माता पिता के आवाज जो है बंद हो गए, उसका बोली बंद हो गया, एंड अशेम्ड और लज्जित हो गए, टीयर्स आंसू स्टार्टेड रोलिंग डाउन, आंखों से आंसू जो है टपकना शुरू हो गया, देयर चिक्स और उसके चिक्स में आंसू आने लगे, आंखों से आंसू गिरते हुए चिक तक आ गए। दो नो वर्ड्स वेयर स्पोकन बहुत, तो यद्यपि वैसा कोई शब्द जो है बोला नहीं गया था उन लोग को, माता पिता को कुछ नहीं बोला गया था, फिर भी दोनों ये जान गए व्हाट मस्ट बी अलोन कि अकेला क्या होता है, ये मैंने मस्ट बी डन क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। दैट इवनिंग द सन टुक हिज फादर्स हैंड, तब जो है उस समय उस इवनिंग को बेटा जो है क्या किया, टुक हिज फादर्स हैंड अपने पिताजी के हाथ को पकड़ा और हाथ और जेंटली लेड हिम बैक टू द फैमिली टेबल, और सभी को एक साथ एक फैमिली जैसे पहले खाते थे टेबल पर वैसा खाने के लिए बुलाए। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ द ओल्ड मैन एट एवरी मील विथ द फैमिली, तो ये बूढ़ा आदमी जो है प्रत्येक दिन फिर जो है वह एक साथ खाने लगे विथ फैमिली, पूरी फैमिली के साथ एक साथ खाने लगा। एंड फॉर सम रीजन नाइदर द सन नॉर द डॉटर, इसलिए
न तो बेटा को और न तो तहू को सिम टू केयर एनी लॉन्गर दे वेन एट फॉर्क वाज ड्रॉप्ड मिल्क स्पाइल ऑन द टेबल क्लॉथ स्पॉल। इसलिए किसी को भी जो है ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि यदि मान लीजिए कि टेबल क्लॉथ गंदा हो गया है तो उसके लिए चाहे जैसे भी हो उसके लिए क्रोधित नहीं होना चाहिए, उसके लिए इरिटेट नहीं होना चाहिए। चाहे वो कपड़ा जो मिल्क से स्पाइल वो गिर गया क्यों ना हो टेबल पर, टेबल क्लॉथ गंदा क्यों ना हो गया हो, उस पर खींचना नहीं चाहिए। द पेरेंट सेड रिलीव दैट देयर एक्शन वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल सन। चिल्ड्रन इमिटेट व्हाट देयर पेरेंट्स डू। तो माता पिता को यह महसूस हो गया कि हमारा काम, हमारा एक्शन जो है एक इम्पैक्ट, ऐसा प्रभाव हमारे पर डाला गया, एक छोटे पुत्र जो है स्मॉल सन छोटा बेटा का ऐसा सोच हो सकता है उसका प्रभाव, तो हम जो है हम इस प्रकार बदल सकते हैं, एक छोटे से पुत्र के से सीख सकते हैं। चिल्ड्रन इमिटेट व्हाट देयर पेरेंट्स डू। तो ये बच्चा जो है नकल करता है, इमिटेट नकल करता है व्हाट देयर पेरेंट्स डू, मतलब माता पिता जैसा करते हैं उसी के मुताबिक बच्चा भी व्यवहार करता है। तो वी शुड रिमेम्बर, हमें याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए, वी रेप व्हाट वी सो, कि हमें हम जैसा करेंगे वैसा हमारा भी कोई आने वाला समय में हमारे साथ वैसा व्यवहार करेगा, जैसी करनी वैसी भरनी भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार ये कहानी को समझ गए होंगे बच्चों। अब कुछ थोड़ा सा नया वर्ड है, जैसे नाउ न्यू वर्ड, जानिए नए शब्दों को कुछ, जैसे स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मतलब होता है कुछ रद्दी चीजें, रद्दी वस्तुएं, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, कुछ परिणाम जो बदलाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। इमिटेट नकल करना, इमिटेट मतलब नकल करना, जो आपके किताब में दिया हुआ है सबसे नीचे, पाठ खत्म हुआ उसके बाद। फाल्टन मतलब लड़खड़ाना, जैसे पैर कदम चलता है तो चलने में दिक्कत होता है जिसको, वो तो फाल्टर बोलते हैं, बूढ़े लोग जो है लड़खड़ाते हैं चलने में दिक्कत होता है, ये फाल्टर शब्द आया है। और यह है ब्लड मतलब धुंधला, आंखों से जो दिखने में दिखता नहीं है वो ब्लड। इरिटेट मतलब होता है गुस्सा आ जाना, क्रोधित हो जाना, खींचना, जैसे किसी कोई दूर ठीक नहीं पर काम कर रहा है उसके प्रति यदि हमें प्रेम नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इरिटेट। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग का ये पूरा किताब का कहानी यहाँ हम पूरे लिख के समझाए हैं। अब ये पूरा पाठ समझ गए होंगे, इस कहानी को भी समझ गए होंगे कि इस कहानी से हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, जैसा कि डू यू नो पहले बताया गया था, आपके किताब में लिखा हुआ है, आप किताब देखेंगे, ये सारे किताब का पाठ का पूरा हम यहाँ इस बोर्ड पर हमें लिख दिए हैं, समझाने में सुविधा होगा, इसलिए फिर जो है आप लोग को अगले दिन हम इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जो आपके यहाँ किताब जो है, ये किताब देख रहे होंगे, ये किताब जो नाम है पाठ द वुडेन बाउल, लकड़ी का बना हुआ कटोरा पाठ का नाम है, और इसमें कुछ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम अगले दिन समझाएंगे और आप लोग इसको, इस कहानी को पूरा बड़ी बात ही फिर से पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख के आंसर के साथ लिख के समझाएंगे। तब तक आज का हम ये ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।